जनवरी आ गई, बर्फ गिरा था अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और ये जोया है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मैं एक हफ्ते बाद वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग नहीं बनाई एक हफ्ते से कोई भी ब्लॉग, क्योंकि एक तो बरसात चल रही है तो दिन का रात का पता ही नहीं चल रहा है, और घर में मेहमान थे तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। और दूसरी बात कि थोड़ी बहुत टेंशन थी जिसके लिए मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाह रही थी। कभी कभी दिल करता है बनाऊँ नहीं, फिर सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि आज पता नहीं ये लपेट सपेट के क्यों बैठी है, एक मिनट जोया, तो दरअसल मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही थी हिजाब सिजाब लगा के, तो सोचा ब्लॉग बना लूँ। दरअसल बात क्या है कि मैं ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों चलाती हूँ, तो जब मैं यूट्यूब पे फोकस करती हूँ तो वो चलता है, और जब मैं इंस्टाग्राम पे फोकस करती हूँ तो इंस्टा ही चलता है, यूट्यूब नहीं चलता है। मतलब कि मैं एक साथ दोनों जगह वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ दोनों जगह के लिए, और इंस्टाग्राम की तो कोई मुझे वीडियो बनानी नहीं पड़ती, या तो मैं ब्लॉग से डाल देती हूँ या फिर फ़ोटो क्लिक करके मैं वो पिक डाल देती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि कौन इतना मेहनत करेगा, वीडियो शीडियो बनाएगा। और लेकिन दरअसल जब मेरा इंस्टाग्राम चल गया, अभी दरअसल अभी मेरे इंस्टाग्राम पे कितने हैं, 12,600 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए, तो सोचा क्यों नहीं वहीं पे ध्यान लगाऊं। फिर सोचा नहीं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे एक टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा मैं अब भी कर लूँ। दरअसल मुझे ना फैमिली के साथ ब्लॉग बनानी अच्छी लगती है, लेकिन अभी क्या होता है कि कोई घर में ही नहीं होते, सब सुबह सुबह चले जाते हैं काम पर, तो मैं अकेले रहती हूँ, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, और बरसात का मौसम है, तो मैं रोज़ रोज़ क्या ब्लॉग में बताऊँ। फिर सोचा कि नहीं, और मेरा ब्लॉग बनाना इसलिए मुश्किल होता है ना, क्योंकि कोई ना कोई मेहमान, कुछ ना कुछ घर में लगा रहता है, कि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आता ये बताने में कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। मुझे लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, हाँ मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए, अपने हद में रह के, इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं होता, उसकी तो मुझे टेंशन नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ कौन क्या सोच रहा है। हाँ यही है, वक्त नहीं मिलता मुझे इतना, क्योंकि बच्चे संभालना, घर संभालना, ब्लॉग बनाना, वो थोड़ी मेरे लिए मुश्किल होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है। चलो यार, वीडियो तो बना रहे हैं, इसके थ्रू तो लोग मुझे जानते हैं, नहीं तो कहाँ जानते हैं। हाँ लेकिन थोड़ा अभी हालात ठीक नहीं था, लेकिन मुझे हालात मैनेज करना अच्छे से आता है। अगर कोई, जैसे कि लोग मुझे मेरे बारे में बुरा चाहेगा तो भी नहीं होगा मेरा बुरा, क्योंकि मेरा मन एकदम साफ है। और जो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ ना, यूँ बोल सकते हो कि क्लस के मारे बना रही हूँ, या माइंड फ्री होकर बना रही हूँ मैं आज का ब्लॉग। क्या बना रही हूँ मेरे को खुद नहीं पता, पहले तो मैं हिजाब विजाब उतार लूँ। दरअसल ये तो मैंने लपेटा था ब्लॉग बनाने, नहीं इंस्टा के लिए मैंने पिक ली थी इसलिए। तो अभी ये भी आज मैंने पहन लिया था, और ये मुझे इससे ना कान में दर्द होता है, वैसे तो मैं सिंपली वीडियो बनाती हूँ, पर कभी कभी चेंज करना चाहिए, और ब्लॉग में मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाओ रखिया। तो मैं बहुत दिन, एक हफ्ते से वीडियो नहीं बनाए, तो लोग को लगा होगा मैंने वीडियो छोड़ दिया, तो बेटा ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो नहीं छोड़ा है बनाना, बना रही हूँ। बस वही है कि लेट हो जाता है, घर में काम इतने होते हैं ना, इतने शोर शराबा चिल्ला चिल्ली कि फ़ोन उठाऊँ ऐसे पकड़ूँ, फिर कोई ये चीज़ आवाज़ करता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर आवाज़ करता, ऐसे करके बिल्कुल भी छोड़ देती हूँ। और बातें बातें तो होती रहेगी, वैसे मेरा इंस्टा भी बहुत अच्छा चल रहा है और यूट्यूब भी चल ही रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, अच्छा खासा 1000 सब्सक्राइब होने ही वाला है। वैसे भी मैं शॉर्ट वीडियो डालना बंद कर दी, इसीलिए रुक गया। जब मैं दरअसल घर में फोकस करती हूँ तो मैं उधर अपना काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, एक ही जगह मुझसे होता है, या घर या वीडियो।
अब चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ कौन कौन है अभी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो इन्हें देख लो, इन्हें भी मेरे साथ एक रील बनानी थी, हिजाब डाल लिया लेकिन नीचे सलवार नहीं है, ये उनका टांगे दिख रही ना। ये देखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये देखा। देख लो मोहल्ले वालों जरा को। चलो हो गया, इस तरह चलो बाहर, अंधेरा कर रखा है और लाइट बंद करके लेट गए। आय है आयशा, ठंड लग रही है। फैजान तुझे भी ठंड लग रहा है? जनवरी आ गई, बर्फ गिरा था अभी। ये देखो कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं। नानी आपको ठंड लग रही है? नहीं, वैसे रात को बहुत ठंड लगती है। मुझे तो नहीं लगती। अभी दो दिन बाद देखना, जैनब रजाई कंबल मांगेगी और गद्दा। ना ठंड बर्दाश्त। मैं नींद रही थी, मेरी तबीयत तो खराब है, तो कभी बहुत ज्यादा है। जब मेरे यहाँ से पसंद है एक मच्छर कभी कान में। हाँ, यहाँ मम्मी खाना बना रही हैं, इधर सारे सो गए और मैं जो है फिर रूम में आ गई, क्योंकि वहाँ खट खुट इतना हो रहा है। मौसम भी अच्छा नहीं, ठंडा मौसम हो गया, इसीलिए सब इकट्ठा एक ही जगह बैठते हैं। अब तो बस सोच रही हूँ कि अब अपना ना मैं टाइम अपने वीडियो के लिए निकाल लिया करूँगी। मुझे दिखाओ, दो मुझे जो आपने पहनावा। अभी दूंगी। और बस आज तो मैं इतनी बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ जरूर मैं लंबी ब्लॉग अभी बनाऊंगी। मैंने पहले भी बोला था ना, वैसे भी मेरी ब्लॉग तो चली जाती है ना जोया। और जोया के नाम से चलती, मैं जोया के नाम से जो भी आईडी अपनी बनाती कुछ भी, हाँ उसे तो चलना ही है। चलना ही है। और हाँ, किसी ने कमेंट करा था, अनीस जी ने कमेंट करा था, मैं वीडियो में नाम ले लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कि उनको ना जोया बहुत अच्छी लगती है ना जोया। जोया की बातें, जोया सलाम करती है तो कमेंट में रिप्लाई भी देते हैं, वालेकुम सलाम का। थैंक यू अनीस जी, आप इंस्टा पे भी और ब्लॉग में ब्लॉग की भी हमें से आप रिप्लाई करते हो जोया को, थैंक यू। तो आज का इतना ही वीडियो था, वैसे भी रात 9 बज गया है। नेक्स्ट मैं कल या पर कल बनाने की कोशिश में ज़रूर करूँगी ब्लॉग। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।